डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ नॉन ईड. ओके, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, जरूरत नहीं है. ओके, इसमें एक्चुअल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ना. तो हमारा पहला वाक्य है, वहां जाने की जरूरत नहीं है. तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, नो नीड टू गो देयर, नो नीड टू गो देयर. अगला हमारा वाक्य है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है. तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, नो नीड टू स्पीक लाउडली, नो नीड टू स्पीक लाउडली. हमारा अगला वाक्य है, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है. तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नो नीड टू शो योर आइज. क्या बोलेंगे, नो नीड टू शो योर आइज, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है. अगला हमारा वाक्य है, अनजान बनने की जरूरत नहीं है. तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, नो नीड टू बी अननोन. क्या लिखेंगे, नो नीड टू बी अननोन. तो अनजान बनने की जरूरत नहीं है. अगला हमारा जो वाक्य है वह है, अगला हमारा वाक्य क्या है, उसे सच बताने की जरूरत नहीं है. तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नो नीड टू टेल हिम द ट्रूथ, नो नीड टू टेल हिम द ट्रूथ. तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हमारे डेली यूजिंग सेंटेंसेस होते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच डियर.